नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सोमवार के दिन हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कमोडिटी बाजार में कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ग्वार कॉम्प्लेक्स से। रूपा जी, देख रहे हैं कि ग्वार कॉम्प्लेक्स में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कुछ बढ़त देखने को मिल रही है। हमने जब बीते सप्ताह मार्केट क्लोज होते हुए देखा था तो ग्वार में बढ़त के साथ ही मार्केट क्लोज होती हुई नजर आई थी। देख रहे हैं कि ग्वार गम का अप्रैल वायदा 11,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है 1.5% की बढ़त के साथ और ग्वार सीड का अप्रैल वायदा 6,200 के ऊपर है, 6,308 का हाई भी लगा चुका है। रूपा जी, देख रहे हैं ग्वार में फिर से तेजी लौटी है, आपको क्या लगता है, क्या कच्चे तेल में जो तेजी आई है उसकी वजह से ये तेजी है या फिर यहाँ पर जो फंडामेंटल्स उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से तेजी देखने को मिल रही है? देखिए, ग्वार में हम पहले भी बता रहे थे कि बाइंग करके चली है और एक्सपेक्टेड है कि 12,000 तक ऊपर एक बार ग्वार जा सकती है क्योंकि एक्सपोर्ट इवेंट पिकअप होने की अपडेट निकल कर आए थे जिसकी वजह से ग्वार को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। और वैसे भी इन लेवल्स के ऊपर जो है वो डिमांड जो पहले कम होती दिखाई दी थी, अगेन जो है वो इस रूस और यूक्रेन के विवादों के चलते एक बार फिर से डिमांड जो है इन लेवल्स के ऊपर भी पिकअप होती दिखाई दे रही है जिसकी वजह से तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार 12,000 का स्तर ग्वार छू सकती है जी। इसी के साथ रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसालों में आपको क्या लग रहा है? मसालों में देख रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं लगातार स्लिप होते नजर आ रहे हैं लेकिन अपने जो सपोर्ट है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, ज्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं तो ज्यादा तेजी भी नहीं आ रही, अभी एक दायरे में ही ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मसालों में आगे जाके यहाँ से कुछ नरमी बन सकती है? देखिए, फिलहाल मसालों में अगर देखा जाए तो नरमी का रुझान तो नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा करेक्शन आप कह सकते हैं कि देखने को मिल सकती है, सीमित दायरे में मार्केट रहेगा लेकिन बहुत सारा फिलहाल गिरावट की उम्मीद नहीं है। अगर गिरावट बनती भी है तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। मुझे लगता है कि आगे चलकर इसके अंदर तेजी का रुझान मसालों के अंदर बना रह सकता है, स्पेशली धनिया और जीरा ये दो कमोडिटी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं जी। इसके साथ रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर आप कैस्टर सीड की, तो कैस्टर सीड का अप्रैल वायदा देख रहे हैं 7300 के ऊपर है, 7366 का हाई लगा चुका है। रूपा जी, देख रहे हैं कि कैस्टर सीड ऊपरी स्तरों पर 5200 से 7300 के दायरे में ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कैस्टर सीड यहाँ से अभी और तेजी की तरफ जाएगा? देखिए, कैस्टर सीड अभी रेंज बाउंड हो चुका है, हम पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि जो 7300 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं स्ट्रेच हो पाया जी। बट इस हफ्ते हो सकता है कि वो लेवल देखने को मिले क्योंकि कैस्टर के भी एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप हुए हैं और प्रोडक्शन भी कम बताया जा रहा है जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। और टेक्निकली देखिए तो काफी बाजार जो है सस्टेन हो रहा है लगातार 7,000 के ऊपर, इनफैक्ट हम कहें तो 7200-7300 के आसपास मार्केट घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो ये काफी पॉजिटिव है और यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि 7700 तक जा सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, आने वाले टाइम में कैस्टर की डिमांड पिकअप अच्छी निकले और आगे चलकर 8,000 का भी स्तर देखने को मिले जी। रूपा जी, बात कर यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल देखने की आज भी 3100 के ऊपर ही सस्टेन है। रूपा जी, देख रहे हैं कि बिनौला खल 3100 के ऊपर नहीं निकल पा रहे, बीच में अभी कीमतें 3200 तक गई थी लेकिन वहां पर भी सीमित दायरे ही देखने को मिला और फिर अब 3100 के लेवल्स पर फिर से आ गई, आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल 3500 के ऊपर जा भी पाएगा? देखिए, मुश्किल लग रहा है 3500 के ऊपर, मुझे लगता है कि बिनौला खल और कॉटन भी अच्छी रैली पकड़ी थी वापस से वायदा के अंदर लेकिन सस्टेनेबल नहीं है मार्केट, मुझे लगता है कि करेक्शन में जा सकता है मार्केट और यहाँ से अब इनकी तेजी जो है वो कम होती दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि ये जो रेंज बाउंड ही रहेगा 3000 से 3500 फिलहाल ये रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है, उसके ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तभी कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, अदरवाइज एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है जी। रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर आप M6 कॉटन की, तो M6 कॉटन देख रहे हैं कि एक बार फिर से 38,000 के ऊपर निकली है, हालांकि लाल निशान पर है अभी लेकिन 38,000 के ऊपर निकल चुकी है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कॉटन में यहाँ से अब 39,000 या फिर उसके ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मुश्किल है, मुझे ये लेवल अभी नहीं लगता कि ये देखने को मिलेंगे, मेरे हिसाब से इसका रैली हो चुका है अभी, बस जो भी ऊपरी स्तर आ रहे हैं इन पर बाइंग को तो अवॉइड करना चाहिए, बल्कि अगर जो भी मार रखा है उसको निकाल लेना चाहिए क्योंकि कभी भी मार्केट जो है वो करेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये मुझे लगता है कि सीजन का पीक हो चुका है, अगर देखिए कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसी
अगर खबर नहीं आती है, कुछ नहीं होता, तो मार्केट जो है वो करेक्शन में जाएगा, और अगर कुछ फेवरेबल आ जाता है तो हो सकता है फिर तेजी बन जाए, लेकिन अभी के फंडामेंटल और सिनेरियो के हिसाब से मार्केट डाउनसाइड में जाना चाहिए। जी डुब्बा जी, इनसे बात करें अगर वीट की, गेहूं की, तो गेहूं की कीमतों में हमने काफी शानदार तेजी आते हुए देखी है। अब गेहूं किसानों के चेहरे पे अब जाके कहीं कुछ खुशी देखी है। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी वीट के किसानों को और एक्सपोर्टर्स को बोला है कि वीट की कीमतों पर और निर्यात पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से उन देशों को, जिन जिन देशों को सप्लाई होती थी वीट की, वो थोड़ी बाधित हुई है। तो ऐसे में पीएम मोदी का कहना है कि इंडिया के पास अच्छा मौका है अपने गेहूं को निकालने का और ऊंचे स्तर पर बेचने का। तो रूपा जी, ऐसे में हमने मंडियों में तेजी भी आते हुए देखी है, गेहूं में 2400-2500 तक गेहूं बिकता नजर आया है। तो आपको क्या लगता है, क्या गेहूं की कीमतें यहां से अभी और ऊपर उठ सकती हैं? देखिए, अगर तेजी बनती भी है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 2100 वाली गेहूं 2100 के आसपास जो ट्रेड होती थी वो 2400-2500 हो चुकी है। अब यहाँ से अगर मैक्सिमम अपसाइड आया भी तो 2600-2800 तक मैक्सिमम एक बार तेजी बन सकती है। एक्सपोर्ट डिमांड अगर पिकअप हुए तो इतनी तेजी की तरफ मार्केट जा सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर अब एडिबल ऑयल पैक की, तो इंडोनेशिया और मलेशिया से खबर आई है कि वहाँ पे अब जो सप्लाई है कच्चे पाम तेल की वो लिमिटेड ही है, क्योंकि इस बार वहाँ पे भी जो प्रोडक्शन है वो इम्पैक्ट हुआ है भारी बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से। तो ऐसे में अगर वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है और इंडिया में खाद्य तेलों में यहाँ से इम्पोर्ट में थोड़ी कमी रहती है खपत के मुकाबले, तो क्या खाद्य तेलों की जो कीमतें हैं वो और बढ़ सकती हैं? क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया में भी देख रहे हैं कि जो सीपीओ की कीमतें हैं वो लगभग 5% डाउन हुई हैं। देखिए, बिल्कुल कीमतों में जो है सपोर्ट है, अभी भी फंडामेंटल सपोर्टिव है, और सारा सिनेरियो अभी देखा जाए तो तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि आगे चलकर इसमें तेजी बनी रह सकती है, और वो हम देख भी रहे हैं कि मार्केट सस्टेन है ऊपरी स्तरों पर, और जिस तरीके का फंडामेंटल और टेक्निकली चार्ट दिखा रहे हैं उस हिसाब से मार्केट आगे चलकर तेजी की तरफ ही रहने वाला है। जी रूपा जी, खाद्य तेलों की में हमने देखा है कि सरसों का इस बार बम्पर उत्पादन की उम्मीद है, सरसों तिलन की। तो ऐसे में अगर सीपीओ की जो इंपोर्ट है कम होता है अगर इंडोनेशिया और मलेशिया से, तो क्या वो जो खपत है, जो कंजप्शन है, अगर सरसों के ऊपर डाइवर्ट होती है तो क्या आगे जाके सरसों की कीमतें बढ़ सकती हैं? देखिए, वो देखना होगा कि आगे कैसा डिमांड रहता है और क्या स्थिति का सिनेरियो बनता है, तभी कुछ अपसाइड में जा सकेगा मार्केट। अदरवाइज अभी फिलहाल की स्थिति के हिसाब से सरसों में बहुत ज्यादा तेजी बचती हुई दिखाई नहीं। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में सोपा ने आंकड़े जारी किए हैं कि जो आयात है पहले, सोपा ने भी आंकड़े जारी किए थे पहले कि जो प्रोडक्शन है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा रह सकता है इस साल, फिर सोपा ने अपने उत्पादन अनुमान में कटौती भी की। उसके बाद से हमने देखा है कि सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है और विदेशों में भी तेजी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन सोयाबीन की कीमतों में थोड़ी करेक्शन आई थी, तो क्या यहाँ से जो कीमतें हैं संभल सकती हैं या फिर यहाँ से अभी थोड़ी टूटेंगी? देखिए, कीमतें सोयाबीन की हो सकता है कि यहाँ पर रेंज बाउंड होती दिखाई दे जाए। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा गिरावट से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इतनी दायरे में घूमती नजर आ सकती है। 50-100 से 150 रुपए नीचे जा सकता है मार्केट, और 100 से 150 रुपए ही ऊपर की कैप बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, सोपा ने आयात के सोपा ने सोयाबीन के आयात के आंकड़े भी जारी किए हैं कुछ, और बोला गया है कि पहले के मुकाबले इस बार सोयाबीन का जो आयात है 3.5 लाख टन किया है, जो पहले 4 लाख टन था। ऐसे में आपको क्या लगता है, आयात जो कम हुआ है सोयाबीन का, तो क्या ये जो न्यूज़ है इसकी वजह से मार्केट आगे तेजी की ओर जाएगी या फिर नीचे की ओर? देखिए, अभी जो पूरा फंडामेंटल है उस फंडामेंटल को देखें तो मार्केट फिलहाल तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई। जी रूपा जी, एग्री में टॉपिक्स के देने चाहेंगी आप जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? देखिए, एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी भी ग्वार और धनिया और जीरा, इन कमोडिटीज के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है और आगे चल के मुनाफा देखने को मिल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, और इस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप जाएगा नहीं,
क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मांगे डैम से भी पर।